दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की बिगड़ी तबीयत, सीने में उठा तेज दर्द, कोलकाता के अस्पताल में चल रहा है एक्टर का इलाज। जी हां, दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को लेकर बॉलीवुड से आई है ये बड़ी खबर। रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार सुबह बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। एक्टर को सुबह सवेरे बेचैनी और सीने में तेज दर्द की शिकायत हुई थी। तबीयत बिगड़ने के बाद मिथुन को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गौरतलब है कि मिथुन मुंबई में नहीं बल्कि कोलकाता में रह रहे हैं, जहां उन्हें आज सुबह सीने में तेज दर्द उठा, साथ ही उन्हें बेचैनी भी महसूस हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोलकाता के प्राइवेट अस्पताल अपोलो ले जाया गया है। फिलहाल मिथुन का इलाज चल रहा है। उनके अस्पताल में एडमिट होने की खबर ने हर किसी को बेचैन कर दिया है। फिलहाल उनकी तबीयत कैसी है, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। अभिनेता के परिवार के सदस्यों ने उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबरों पर अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है। अस्पताल ने भी अभी तक दिग्गज एक्टर की तबीयत को लेकर कोई हेल्थ अपडेट नहीं दी है, लेकिन मिथुन की अचानक तबीयत बिगड़ने की खबरों ने उनके फैंस की चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि 80 के दशक में डिस्को डांसर बनकर पर्दे पर राज करने वाले मिथुन चक्रवर्ती 73 साल के हैं। हाल ही में मिथुन को प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण सम्मान से नवाजे जाने के बाद मिथुन ने बंगाली में एक वीडियो शेयर कर अपनी खुशी भी जाहिर की थी। बीते दिनों ही ऐसी खबरें आई थी कि बंगाल में लोकसभा चुनावों के दौरान मिथुन चक्रवर्ती बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। पिछली बार हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान भी मिथुन चक्रवर्ती ने काफी चुनाव प्रचार किया था, तो माना जा रहा है कि लोकसभा चुनावों में भी मिथुन बीजेपी के लिए एक बड़ा चेहरा बनकर पार्टी को बंगाल में मजबूती दिला सकते हैं। लेकिन आज सुबह मिथुन की खराब तबीयत की खबरों ने उनके फैंस को चिंता में डाल दिया है, जहां फैंस उनके जल्द से जल्द सेहतमंद होने की दुआएं कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि 73 साल के मिथुन की तबीयत बिगड़ने की खबरें पहले भी कई बार सामने आ चुकी हैं। लंबे वक्त से मिथुन फिल्मों और सोशल लाइफ से दूर हैं। साल 2020 में जब मिथुन विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स की शूटिंग कर रहे थे, उस दौरान भी उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, जिसके चलते फिल्म की शूटिंग तक रोकनी पड़ गई थी। तब पेट में इन्फेक्शन के चलते उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। फिल्म के एक एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान मिथुन की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। हालांकि ख़राब तबीयत में भी मिथुन ने अपनी फिल्म की शूटिंग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट E24।